खुश रहो बेटा, माँ बाबा के चरणों में कोट कोट प्रणाम। खूब प्रसन्न रही बेटा, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरु जी, गढ़ी मानिकपुर से हम आए हैं, डेने में तीन लोग हैं, तिवारा हम मिल रहे हैं जी। अच्छा गुरुदेव, अगर आप न होते तो हम कहीं के न रह जाते जी। सब बाबा माँ कृपा है बेटा। हम बहुत चुप्पे से आते हैं जी, कि लोग पूछते हैं कहाँ जा रहे हो तो नहीं बताते। जो खास होते हैं उनको बताते हैं जी। जितना कृतज्ञता रखोगे जी, उतने ही प्रसाद पाओगे जी। न्याय के नौ भाव हैं जी। जी, एक होता है न्याय जी करना, दूसरा होता है निर्णय करना जी। निर्णय वो होता है जो हम शरीर को, रूप को, धन पद बल को देख करके करते, वो निर्णय है। आप न होते गुरु जी हम कहाँ जाते जी। और दुनिया एक तरफ रहे लेकिन फिर भी सत्य बात हम कह पाए जी, कितने भी हमारे पास सबूत हो चीज़ों के, लेकिन हम अपने हृदय की बात, अपने आत्मा की बात हम कह पाए, वो न्याय है जी। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग निर्णय ही कर पाते हैं, न्याय तो कर नहीं पाते जी। वो कुंठा रहती अंदर, जानते हैं कि न्याय नहीं है, कुंठा। तो वही है, न्याय में नौ भाव हैं, विश्वास से लेकर प्रेम तक, उसमें एक भाव कृतज्ञता का भी है। जितना चिल्ला चिल्ला के बताओगे कि करौली शंकर महादेव के दरबार में जाते हैं, सीना ठोक के बताओगे, उतना ही आनंद में रहोगे। वही हुआ सर, सिद्धवेशन नाथ से दंडवत प्रणाम करते हुए रास्ते पर लोगों ने बहुत पूछा, बहुत जवाब दिया जी, पर आधा हुआ जी हमारा, क्योंकि हमें पूरा पुण्य नहीं मिला। कोई तो बात नहीं, कोई फिर बात हमारा हरिद्वार में दीक्षा लिया जी। लोग पूछते हैं क्या है, बताते हैं जी। अच्छा है, आज तुम प्रक्रिया कर पाए हो पहली बार जी, है ये प्रक्रिया पहले कर ली होते तो ठीक से बता पाते जी, है ना जी। तमाम ये सब रोग कष्ट आपको थे, आपसे तमाम बच्चों में जा रहे थे, बच्चे ये थे, प्रोस्टेट में सूजन था, सब नष्ट हो चुके। प्रोस्टेट में सूजन था, यूरेटर में सूजन था, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी, हार्ट अटैक की स्मृतियां थी, मस्तिष्क सुन्न रहना, एसिडिटी होना, भोजन नली में घाव बन रहा था, अनावश्यक क्रोध कराने वाली स्मृतियां थी, नशा कराने वाली स्मृतियां थी, लीवर में घाव बन रहा था, लीवर सिरोसिस की स्मृतियां थी, कूल्हे में गलन हो रही थी, पागल बनाने वाली स्मृतियां थी, गुदा द्वार में घाव व सूजन, किडनी डैमेज करने वाली स्मृतियां थी, मस्तिष्क में सूजन था, डिमेंशिया था, कार्य से अरुचि होना, कैंसर की स्मृतियां थी, यूरेथ्रा में, लीवर में, गले में, जीभ में, मुंह में और प्रोस्टेट में। सही है। इस समय हमारे पिताजी साथ हैं, जबकि डीने में तीने लोग हैं। कोई बात नहीं, हृदय में से आपके कष्ट आ रहे थे तमाम जी। हार्ट अटैक की स्मृतियां थी, श्वास फूलती थी जी, हृदय शिथिल करने वाली स्मृतियां थी जी, और हृदय के स्थान पे अचानक से दर्द होता था जी। ये सब नष्ट हो गई गंदगी। वाइफ हमारी कभी भोजन नहीं बना पाएगी, कभी नहीं बना पाएगी। अब ये सब कर पाएंगी, भोजन बना पाएंगी, खिला पाएंगी, खा पाएंगी जी, सारे कार्य कर पाएंगी करके। हैं, सांस बहुत फूलती है जी। अब पहले फूलती थी, अब नहीं फूल रही जी, आज से खत्म फूलना जी। वो किसी और की सांस फूलती थी जी। हैं, हम लोगों का पुण्य बिल्कुल सही है जी, एकदम फर्स्ट क्लास हो। तभी तो आज अच्छे होके खड़े हो, तभी तो आज कॉन्फिडेंस से खूब, आत्मविश्वास से खूब जम के लग रहा है कि नहीं जी। गुरु जी, हम पहले जब आए थे तो प्रक्रिया वो तब दोबारा जब आए तो आपने कहा था बेटा वनडे करके तभी आना, वनडे कर लो जो, पर हम मजबूर थे जी। खुश रहो, खूब प्रसन्न बच्चे को। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो। मैं बहुत ज्यादा वो जंक फ्रूट खाता हूँ। बहुत ज्यादा कौन सा? जंक फ्रूट खाता हूँ। जंक फूड खाते हो तो अच्छी बात है, रह रहे हैं हम लोग जंक फूड वालों की दुनिया में तो खाते हैं। आँख बंद करके जैसे खाते हो, जरा खाओ देखे कैसे खाते थे। प्रहार विश्व
विश्व करा दिए, कुछ चाटन जो सब खाते हैं बाहर का सामान, घर से बाहर का बना हुआ सब चाटन विकर्षण विदर्शन पैदा कर दिया। पांच बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन खींचो। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं जो आकलन कर पाते हैं कि हम जंक फूड ज़्यादा खाते हैं। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। यस, तो खाने वाला, खाने वाली स्मृति कोई और, कंट्रोल करने वाले आप। तो जो खाने वाली स्मृति थी वो ज़्यादा ताकतवर थी, तो आप खाते थे मजबूरी में। दीक्षा लेने के बाद ही मेरा पढ़ाई में मन लगने लगा था। हाँ, दीक्षा लेने के बाद आप पढ़ने मन करता है? अभी तो मेरा कर रहा है। खुश हो बेटा। अब ये देखिए, जो जंक फूड खाते थे आँख बंद करके, अब खाने का मन कर रहा है? खाने का मन नहीं कर रहा है, मतलब उससे चिढ़ हो रही है। चिढ़ हो रही है? हाँ। अब आप नहीं खाओगे, खुद ही गई वो स्मृति, नष्ट हो गई। मेरा सांस भी बहुत तेज फूल रहा है अभी। हम बता रहे क्या होता है, आंखें बंद करो। रोटी देख करके जो उसको उल्टी करने का मन करता है, वोमिट फील होती है, चिड़ होती है रोटी देख के, ना खाने का मन करता है, वो स्मृति नष्ट कर दिया। प्रहार, दम घुटने वाली स्मृतियाँ नष्ट कर दिया। पांच बार बोलिए ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब आंख बंद करके देखो, रोटी सामने है खाने के लिए, भूख लग रही है बहुत तेज। पहले मेरे पापा डर जाते थे, जो डॉक्टर लोग होते थे वो बहुत सारी दवाई लिखते थे। दवा लिख देते थे डॉक्टर साहब? हाँ। कम से कम एक दिन में 12 गोली खा लेता था मैं। अच्छा, गोलियां खाते थे? ये जो मेरा पैर है ना, हाँ, ये कमजोर पड़ गया है। आप देखो कमजोर है, चल के आओ, चल के आइए। अब उठिए बैठिए, उठिए बैठिए, दो चार बार करिए। बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा अभी। अब नहीं बचा कुछ भी नहीं? अब कमजोर तो नहीं है? नहीं। खुश रहो, अब तुम रोटी खा पाओगे, खाना खा पाओगे घर का, ठीक है? बाहरी बर्गर बर्गर ये सब नहीं खा पाओगे, सब पिज्जा बर्गर खत्म। खुश रहो। गुरुदेव जी आपके चरणों में कुटी कुटी प्रणाम। खुश रहो बेटा, बाबा के चरणों में कुटी कुटी प्रणाम। खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धन उर्वरुक्मि बंधनार्मृत्य और बक्षी मामृतम्। आँख बंद करके बेटा पांच बार बोलिए ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। वहाँ पहुँचना भी जरूरी करना चाहिए। ये बेटा आपके भी तमाम रोग कष्ट थे, ये सब नष्ट हुए, अब शेष नहीं। पूरे शरीर में अकड़न जकड़न होना, आंखों में भारीपन रहना, दर्द होना, पेट में दर्द होना, यूट्रेस में सूजन था, गांठे बन रही थी, फाइब्रॉइड्स बन रहे थे, मस्तिष्क में सूजन था, मस्तिष्क सुन्न हो जाना, सिजोफ्रेनिया था, मतलब अनावश्यक चीज़ें दिखाई देना और सुनाई देना, श्वास फूलती थी, यूरेथ्रा में इन्फेक्शन, अर्ध बेहोशी की स्मृतियाँ थी, किडनी में इन्फेक्शन हो रहा था, आँतों में सूजन थी, सिर में दर्द होना, कंधों में भारीपन, दर्द और जकड़न रहना, DMD मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियाँ थी, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, साइटिका का दर्द होना, ओवरी में पस भर रहा था, कैंसर की स्मृतियाँ थी, ब्रेस्ट में, गॉल ब्लैडर में, लीवर में, यूट्रस में, कोलोन में, रेक्टम में और हड्डियों में। धन्यवाद। यूट्रस खराब हो रहा था, देखो दरबार ने आपका यूट्रस अच्छा किया। यूट्रस में कैंसर की स्मृतियाँ थी, ओवरी निष्क्रिय हो रही थी, PCOD की स्मृतियाँ थी, प्राइवेट इन्फेक्शन हो रहा था और लिकोरिया की स्मृतियाँ थी। ठीक है, अब अच्छे रहोगे बेटा।
और महाहवन करना, तो तीनों लोगों संकल्प करके महाहवन करिए, ठीक है? खूब खुश हो, प्रसन्न हो। ये गुरुदेव जी, अभी ये जो प्रेजेंट टाइम में जो दिक्कत हो रही है, ये सब खत्म हो जाएगा। ये कट कट की आवाज आ रही है, हल्का दर्द, सब खत्म। आप कोई कष्ट नहीं है वहाँ, कोई भी कोई कष्ट है वहाँ? एक मैं सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ, मेरा प्यार भरा सुन लीजिए गुरुदेव जी। बेटा बस एक एक लाइन, ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत लोग हैं जो खड़े हैं सब पीछे। ओ पालनहारी निर्गुणो न्यारी, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। ओ पालनहारे निर्गुणो न्यारे, तुम्हरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरे उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हरे बिन हमरा कौन नहीं। तुम्हें हमका हो संभाले, तुम हमरे रखवाले, तुम्हरे बिन हमरा कौन नहीं। चंदा में तुम्ही तो भरे हो चांदनी, चंदा में तुम्ही तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्ही से, ये गगन है मगन, तुम्ही तो दिए हो ये सितारे भगवन, ये जीवन तुम्हें ना सवारूंगी तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुणो न्यारे, तुम्हरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरे उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हरे। खूब खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप ही मेरा सहारा हो, आप मेरे ताकत हो, आप ही अब मेरे सब कुछ हो, मात्र आपके सिवा मुझे कोई दिखता ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितना बोलूं आपको लेके, कि लगता है कि पूरी दुनिया में मेरे बाबा हैं और मेरे बाबा के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो ताकत है आप मेरे लिए, मैं खुल के बोलती हूँ, लेकिन लोग मेरा मजाक बनाते हैं। अरे करोली शंकर हमारे के, मेरे करोली शंकर वो करेंगे दुनिया में कोई नहीं। अब एक दिन ऐसा आएगा, ऐसा है, ये सतयुग का रूप प्रारूप लेगा ये, क्योंकि ये मेरे करोली शंकर जिन्होंने इतने लोगों को बदल दिया, आज वो सतयुग में हम लोग एक ऐसे, जैसे वो नकारात्मक ऊर्जा, जैसे कि हम लोग आज इस गंदे कलयुग के घनघोर गंदे निगेटिव से निकल के बाहर आ रहे हैं, हम लोग सतमार्ग पे चल रहे हैं, जैसे हम सतयुग में जा रहे हैं, राजा हरिश्चंद्र के उसमें सत्य पर चल रहे हैं। हमको झूठ बोलने का मन ही नहीं करता, मैं किसी को बोलती हूँ सत्य बोलती हूँ, लोग कहते बड़ी सत्यवादी बनी हो, सत्यवादी बनी हो, हम कहा हाँ हम सत्य पर चलेंगे, ऐसा कोई गलत कार्य नहीं करेंगे जो जाके नर्क में भोगेंगे। हमें नर्क गली नहीं कमाना, हमको स्वर्ग की स्वर्ग में रहना है, हमको मोक्ष को जाना है, और हमें ये धन दौलत नहीं चाहिए। हमको मेरे बाबा ने जो रास्ता दिखाया है वो मेरे गुरुदेव हैं, वो मेरे सच्चे गुरुदेव हैं। मैं गुरुदेव जी आपसे क्या बताऊँ, मैं थोड़ी सी मेरी बात, मैं पहले मैं शक्तिपुर महाराज से जुड़ी थी, लेकिन जो आप में ताकत है वो मुझे उनमें नहीं दिखा। मेरे गुरुदेव जी मेरे पिता वहां जुड़े, कहे बेटी जुड़ जाओ, हम कहा नहीं, मेरे गुरुदेव मेरे गुरुदेव है, महादेव है, देवों के देव महादेव है वो, उनको मैं देखती हूँ तो लगता है कि मेरे महादेव कहाँ है, मुझे पूरी सृष्टि में मेरे महादेव महादेव करोली शंकर महादेव लगते हैं। मैं बोलती हूँ रोज गुरुदेव, मैं बाबा से बोलती हूँ, हे गुरुदेव एक बार मुझे दर्शन दे दो, मैं तृप्त हो जाऊंगी। लेकिन गुरुदेव जी करते हैं कि बहुत हंसाते हैं, बहुत घुमाते हैं मुझे, यहाँ वहां ले जाते हैं, लेकिन दर्शन नहीं देते। अब मुझे पता है एक दिन दर्शन जरूर देंगे,
मुझे पता है गुरुदेव, मुझे पता है, लेकिन जो आज मेरे दिमाग में है गुरुदेव जी, मैं इतनी पागल थी मुझे कुछ नहीं, लेकिन आज मेरे दिमाग में अपने मन केंद्रित कर लेती हूँ, ये मेरा दिल मेरा दिमाग आज्ञा चक्र पर हो जाता है, मैं मन को इस शिवलिंग पर मैं एक दो घंटे केंद्रित कर दिखा सकती हूँ आपको, इतनी बाबा ने मुझे दे रखी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ गुरुदेव, खुश रहिए, प्रसन्न रहो बेटा, मुझे कभी नहीं मिलेंगे, आप स्वस्थ रहो, आपका परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे, आपका मंगल हो, कल्याण हो, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय जय राधा रमण।